असलम आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे हम फिर फ्लाइट में जब अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएँगे क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है फ्रेंड यहाँ पे सीन ये है कि मेरा फास्ट था कल और ये कल का ब्लॉग मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कल का डे यस्टरडे वाज वॉज अमेजिंग डे एंड आई वॉज फास्टिंग आफ्टर सो मैनी डेज और या आई मीन आफ्टर सो मैनी डेज एग्जैक्टली आई एम राइट सो फास्ट मेरे एकदम से जहन में आता है कि मुझे रख लेना चाहिए तकरीबन फजर की हजाने होने वाली थी आधा घंटा पहले और आधा घंटा पहले मैं अपना दिमाग चलाया कि सोचा कि सोचा मैं क्या खा सकती हूँ लेकिन मुझे इतना हाथ समझ नहीं आया तो मैंने पानी पिया एक इलायची खाई एक नहीं इलायची खाई काफी ज्यादा इलायची खाई क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही एम थी वो खा के मैंने रोजा रख लिया और मुझे नींद ही नहीं, नहीं आ रही थी पता नहीं क्यों मैं सोने की कोशिश करी फजर की नमाज पढ़ी जेजी को भी लिटा दिया और जब मुझे नींद आई है जेजी का दूध मैंने बना कर रखा हुआ था अपने पास और उस दिन ना मामा को जुकाम था बुखार था खांसी थी तो मामा को मामा से फ्लू जो है और मामा से फ्लू जेजी और मुझे ना आ जाए तो मामा सोई थी सोफा कम बैठ पे और मैं और जेजी पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम जेजी और मैं सिर्फ अकेले बैड पे सोए तो मुझे उसका ध्यान रखना था कि हर तरफ से वो नीचे ना गिर जाए और ऐसे तो होता है ना कि बेड पे जो अब मामा और मैं दोनों सोते हैं तो एक तरफ मामा होती हैं एक तरफ मैं होती दरमियान में में जेजी होता है तो वो गिरने कोई को इतना चांस नहीं होता लेकिन ये सीन था कि अगर मैं एक तरफ भी हूँ तो दूसरी तरफ से फिर इशू हो सकता था पिलोज हमारे फोर हैं टोटल लेकिन फोर ही टोटल यूज में होते हैं एक जेजी के पास होता है एक मेरे पास दो मामा के पास सो जो बैक साइड है बेड की उस तरफ मैंने जेजी को लेटा दिया यानी इस तरफ को तेरी साइड को और मैं दूसरी तरफ लेट गई और जब तक दूध देने का टाइम आया ना उस टाइम तक मैं सो गई दूध मैंने बनाकर अपने पास रख लिया तो एंड पे ये हुआ कि मैं दूध दे ही नहीं पाई वो कार्टून देखता देखता पता नहीं कितने बजे सोया है और मैं सो भी गई उससे पहले तो मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि ये क्या सीन होगा क्योंकि वो उसको ना आदर पड़ गई कार्टून देखते देखते सुने की और अगर उससे कार्टून नहीं तो वो इतना ज्यादा रोता है इतना ज़्यादा रोता है कि यू गाइस कैन नॉट इमेजिन वो भी कभी आपके साथ नहीं ऐसा कुछ नहीं शेयर होने वाला क्योंकि उससे इतनी टेंशन पड़ी होती है जब वो रो रहा होता है सो हमने उससे फोन लेते है, नहीं या उसके कार्टून चलते रहने देते हैं अगर तो बैटरी लो हो तो उसको चार्ज लगा के कार्टून लगा देते हैं सो यही सीन से तो दूध उसको मैं नहीं दे पाई फिर मामा तक ग्यारह बजे उठी है। मामा ने मुझे अपडेट किया कि उसको वो दूर दिया चेक किया, कि किया हल्का सा नीम गर्म किया, so, उसने काफी किया और पी लिया। तो उसके बाद तक रिमेम्बर एग्जैक्टली सवा एक बजे तकरीबन आई जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मामा को ब्रेकफास्ट बना के दिया बहुत ही मजेदार देख रहे होंगे पराठा साथ में चाय में पता नहीं क्या था आई या कुछ नहीं था ये भी मुझे याद नहीं है तो जेजी को भी मैंने एक रोटी बना दी थी साथ में छोटी सी ताकि जेजी भी इंजॉय कर ले अगर जेजी का पेट फुल हो ना तो जेजी काफी ज्यादा खुश रहता है खेलता रहता है तंग भी नहीं करता तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम उसको कुछ खिला दें अच्छे से पेट भर के देन वो तंग नहीं करता तो मैं जब रोजे का टाइम करीब आता जा रहा होता है मैम मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस देती जा रही होती हैं कि ये खा लो ये बना लो अपने लिए या ये बना लो पकौड़ा बना लो और फायद मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मैं एक्सेप्ट कर पा रही बचपन से तो मुझे इतनी यू नो माइंड सेट इस तरफ गया ही नहीं कभी कि आपने अगर रोज़ा रखा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ रोज़ ही कुछ स्पेशल चीज़ें बनाए या पकौड़े बनाएँ ये रोज़ा इसी का नाम नहीं आई फील कि आप इफ्तार में पेट भर के खाना खाएं और अम, हर अच्छी चीज बना लें ये नहीं कि आप इबादत करें और रोजा रख के कि आप खाने बनाने शुरू कर दें सो आई डोंट गेट दस कॉन्सेप्ट फ्रॉम लास्ट यू नो आई फील मंथ जब भी मैं फास्ट रखती हूँ ना मैं कुछ भी नहीं बनाती जो हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट हो रहा होता है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वही ही करूँ कुछ स्पेशल ना बने अगर स्पेशल बने तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है बनने में और आपका टाइम उस तरफ ज्यादा वेस्ट होता है सो यू शुड यू नो रख रहे हैं तो यू शुड से मैंने माइंड से निकाल दी है मामा मुझे कहती रहती हैं आज तक और ये मैंने आज मामा को पाती बताई मैं सोच रही हूँ काफी टाइम से जब मामा ये वीडियो देखेंगी शी विल यू नो गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड के आमना क्यों हर वक्त नहीं नहीं नई नहीं, 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 नहीं बोलती रहती है कि मैंने पकोड़े भी नहीं बनाने मेरे चिकन कौरमा भी नहीं बनाना आज भी मामा के पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे आज की स्टोरी मैं आपके साथ कल के ब्लाग में शेयर करूँगी सो आपने वो भी ज़रूर देखना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो इफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा था और मामा मुझे आधे घंटे पहले तक भी कह रही थी कि आमना तुम ये बना सकती हो यू कैन मेक दिस और दिस और आधा घंटे पहले मैंने जल्दी से मैं किचन में आई हूँ और मैंने अपने लिए बनाया मज़ेदार किस्म का पराठा जो कि हम ब्रेकफास्ट में खा रहे थे जल्दी से मैंने बनाया फीलिंग के उसको भी खाना है कुछ तो मैंने चीनी वाली रोटी भी बना ली साथ और जैसी तो दो पिज़्जा में मैं स्लाइसीज में कट करती हूँ आप यहाँ पे साथ साथ देख भी रहे होंगे तो मैंने कट की अच्छे से और जैदी ने बस दो स्लाइसिस खाए थे वो सारी रोटी मैंने खाई थी और एक स्लाइस मा ने खाया था तो पराठा भी मैंने खाया था चीनी वाली रोटी भी साथ में अचार था और साथ में चाय थी तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने सिंपल सा मील था और नेवर एक्सपेक्ट किया आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप, आपके लिए कोई बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए इफ्तार में ये, ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे तो समझ नहीं आ रही है बात करते हुए कि भी कि मैं पूरी जिंदगी इफ्तार में ये क्रीम चाट तो पकोड़े तो दही बल्ले तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो यूज टू तो मेक और ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम आई फील और शायद इसीलिए रमज़ान से पहले ही लो, लोगों को ये ज़रूर होता कि हमने इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें खानी है हालांकि मुझे भी होता था एक टाइम पे तो रमज़ान से पहले फ्रीज़र में चीज़ें रखना स्टार्ट कर देते हैं लोग समोसे पकोड़े या न फ्रीज करके यू नो पकोड़े तो ऑबियसली नहीं होते उनका बैटर लोग कर लेते हैं मिक्सर यानी मसाले और बेसन को मिक्स करके रख लेते हैं और आलू के फ्राइज बना के फ्रीज़र में रख देते हैं पकोड़े रोल्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रही तो ये मुझे अब ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही फजूल किस्म की चीज है कि आप खाने के लिए रोजा रखें ओबियसली आप अलग रजा के लिए भी रखते हैं रोजा लेकिन ये अगर तो ये चीज़ है ना आपका कॉन्सेप्ट है अब मैं ये भी खाऊंगा रोजा खोलने तो के बाद ये भी और ये भी तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि उस तरह से आप अपना अः हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं हंड्रेड परसेंट तो ऑबियसली आप नहीं दे सकते लेकिन फिफ्टी परसेंट भी आप दे रहे हैं सो so, ये मेरी एक सोच है आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताएं तो मैंने बहुत ही मजे का एक मील किया और उसके काफी टाइम के बाद, मुझे लगनी थी रोजा खुल जाता है बहुत ज्यादा so, <coughs> मामा, मामा की तबीयत खराब थी जेजी मामा के साथ चला गया और काफी ज्यादा चीजें मामा लाई जेजी के लिए मेरे लिए चीजें होती है चीज वाली चीज

फ़नी चीज़ें होती हैं फनी चीज़ें इट कि ओट मिल्क एंड ऑल ये ट्राई जो कि रिसेंटली हमने डिस्कवर किए हैं ये नहीं कि ये प्राइसिंग की कम है तो ये लो क्वालिटी थी दे यू नो रियली गुड और हम ऐसी चीज़ें बाई नहीं करते बचपन से हमें आदत ही नहीं है ऐसे पापड़ एंड ऑल दी थिंग्स खाने की मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना लोगों के बच्चों को कि वो पापड़ खा रहे हैं ऐसी गंदी चीज़ें खा रहे हैं इमली या चूरन सो आई गेट शॉर्ट

और फिर मैंने छुपा छुपा के एक एक चीज़ उठाई मुझे चीज़ों का नहीं था वो बाद में एंड जेजी नहीं खाई थी मैंने सिर्फ एक बिस्किट खाया था बीच से और एक लेस बका सारी जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही है ना वो जेजी नहीं खाई है और एक बिस्किट था प्रिंस वो मामा ने ब्रेकफास्ट में खाया ब्रेकफास्ट में इसलिए खाया वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ वो भी एक सीन हो गया था तो बड़ा ही दिन गुजर गया और रात का वो तकरीबन लेट टाइम होता है तो मामा कहती है कुछ बनाओ क्योंकि डिनर में मामा ने भी कुछ इतना खास खाया मामा ने पता नहीं कियाठा मामा ने। मामा ने में में खाया था या मामा ने ना कुछ खाया था I don't what she... oh, friends, मामा ने रात को जिस टाइम हमने खाई थी मामा ने खाई चाय काफी ज्यादा इंजॉय की फिर रात के बारह बज गए नेक्स्ट डे हो गए हम और काफ़ी सारे बर्तन थे धोने वाले वो मैंने धो लिए वो आपके साथ रूटीन शेयर करनी थी लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी और कुछ और भी इशूज़ थे तो मैं शेयर नहीं कर पाई आम, कुछ और काम थे जो मैं सोने से पहले करती हूँ जो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह 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 शाला इन श्ला और आपने उस वीडियो का वेट करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको उसकी भी अपडेट मिलती रहे कि उसके अंदर क्या सीन हुआ है जी जी यहाँ सो रहा है तो मैंने सोचा अंदर आ जाऊँ और चेक कर लूँ इसको एक बार यहाँ पे मैं काफ़ी सारे पिलोज रख गई थी ताकि ये नीचे ना गिरे सो ही स्लिपिंग बाल मैंने अपने अच्छे से टाई कर लिए क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही थी खुले हुए थे ना तो ये सारे सीन अभी और काफ़ी अच्छा दिन गुजर गया कल का वैसे तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा गुजरेगा क्योंकि काफी टाइम के बाद रोजा रखा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी एनर्जी लो हो जाएगी और एक अपडेट में बीच से आपको देना भूल गई थी जो कि थी कि सात से नौ हमारी लाइट जाती है और कल साढ़े सात लाइट गई थी और साढ़े नौ साढ़े दस आई थी साढ़े नौ आ गई थी तो मैं ना उस दरमियान सो गई थी रोज़ा खोल लिया हुआ था बहुत ही अच्छा लग रहा था रोज़ा खोल के लेकिन एनर्जी थोड़ी सी लो थोड़ी सी लो बिल्कुल जैसे आम तौर तो पर बहुत ज़्यादा हो जाती है वैसे नहीं हुई तो थोड़ी सी जो लो हुई थी ना वो मैंने सो के अच्छे से उठ के पूरी कर ली वो कमी जो थी मेरी आ, एनर्जी में जो कमी थी ना वो फुल हंड्रेड परसेंट हो गई थी नाइन्टी या नाइन्टी थी तो सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि मैं सो गई वरना अगर ना सोती तो शायद मेरे सर में बहुत जल्दी दर्द हो रही होती है और जेजीरा उठ रहा था

लास्ट लॉग आपने देखा होगा मैं बैग्स के बारे में बात कर रही थी तो मैं अगेन उस बात को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबा हो गया था इसी ब्लॉग तो सीन ये है कि बैग्स हमारे पास इतने सारे इतने सारे हैं हर कलर का बैग है हमारे पास ऑलमोस्ट और एक दो मामा मेरे न्यू बैग नहीं है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उनको कैरी करने के लिए एक बैग तो है हाँ, बहुत ही क्यूट बहुत ही क्यूट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी वो इतना सिंपल है और इतना क्यूट है इतना क्यूट है और मामा को ना समझ आ गई है कि मेरी चॉइसेस किस तरह के बैग मुझे पसंद है और मैं ना फुल कंफर्टेबल होकर बैठ गई हूँ तो क्योंकि जरा मेरी बातें ना लंबी होती हैं बहुत तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड बातें होती हैं मेरी क्योंकि मैं लोगों से इतनी ज्यादा बातें करती तो मैं कैमरा पे इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं इतनी 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 ज्यादा बातें करती हूँ दो घंटे ना बिना सांस लिए बिना रुके बोल सकती हूँ बिना रुके बातें कर सकती हूँ जो पूरा दिन हुआ पूरे दिन में हुआ पूरे महीने में हुआ पूरे वीक में हुआ और पता नहीं कहाँ कहाँ की सालों पुरानी बातें भी मैं कर लेती होती है और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है कैमरे में देख के बात करना आप लोगों से बात करना स्पेसिफिक स्पेसिफिक और लोगों से बात करने में ना जितना मर्जी मैं कंफर्टेबल हूँ ना किसी के साथ जितनी मर्जी में कंफर्टेबल हूँ ना किसी के साथ ये वो सीन हो गया कह रहा, आ रही हो रहा रही है जितना मर्जी में कंफर्टेबल सो so, uh, मैं नहीं कर पाती उस तरह से बात जिस तरह से मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना तो आप अपने आप को लकी समझे आई एम नॉट यू नो सेइंग कि मैं बहुत ही कोई ऐसी बहुत ही बड़ी कोई इंसान हूँ नो आई एम नॉट आई एम Going to train myself के जब मैं जितनी मर्जी मैं फेमस हो जाऊंग ना इनशा इनशा ये तो मुझे होक है कि जितनी मैं एफर्ट कर रही हूँ ना मामा के अकॉर्डिंग मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ दे भी नहीं रही लेकिन मुझे लगता है मामा का फील लाइक हंड्रेड परसेंट आई एमसेंट जो वो फाइव परसेंट आईम मुझे लगता है, वो, वो, भी, वो भी मैं अपना कम्प्लीट कर रही हूँ लेकिन कहीं

तो हमें तो पढ़ लगे हैं ना कोई सो so, जब जिनकी बहुत ज्यादा एफर्ट होती है ना सो so उनके साथ ही ऐसे होता जितनी मैंने एफर्ट कर लिया ना आई डोंट फील लाइक कि मेरे साथ ऐसा होगा और आई एम नॉट अ पर्सन लगता है हमारी शक्ल देख के ऐसे कि हम बहुत ही रूढ़ हैं हमें बहुत ही ज्यादा गुरूर है और यू नो लाइक दिस कि हम बहुत ही ज्यादा प्राउड हैं लेकिन वी आर नॉट अगर आपको कभी हम नजर आ जाए ये मैं हर बार पता नहीं क्यों कहती मुझे ये कहना बहुत ही अच्छा लगता है तो आप बेफिक्र होकर आए हमसे सेल्फी मांगे हमसे ऑटोग्राफ लें ऑटोग्राफ तो बहुत पुरानी चीज है लेकिन आजकल बहुत हो रहा है कि लोग अगेन इसको कॉमन कर रहे हैं सो so, ले सकते हैं आप कोई इतना मसला नहीं है हम कुछ नहीं कहेंगे आपको प्लीज कम एंड टेक फोटोज विद अस सो हम उल्टा खुश होंगे उल्टा और डेडिकेट होके ब्लॉग बनाएंगे ये जो सारे बर्तन और ये जो फ्रेंड्स कवर आपको नजर आ रहा है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ इतना ये गंदा हुआ है ना लेकिन इसकी जगह मेरे पास कोई और कवर नहीं है जो कि मैं यहाँ पे पहले डालू और फिर इसको धोने के लिए डालूँ मशीन के अंदर तो ना टेबल अगर ऐसे सिंपल आप आकेंगे टेबल का कवर उतार के तुम धो लो इतना क्या मसा है टेबल तेरा मेरा सा अजीब सा है और टेबल थोड़ा सा टूटा भी हुआ है तो वो बहुत ही गंदा लगता पड़ा हुआ और सूखने में वैसे इतना टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन ये कवर जितना गंदा ना मेरा दिल चाह रहा uh, है इसको फेंक दूँ बट फ्रेंड्स देखते हैं मैं मामा को कहूँगी कुछ दिन में ना इसके लिए कोई शीट लेकर आए क्योंकि शीट इज़ मोर यू नो कन्वीनियंट दैन द क्लोथ ऑन द टेबल और एनी थिंग यू नो क्योंकि शीट अच्छे से साफ कर सकते हैं आप कपड़े से लेकिन कपड़ा यू नो you know, आप कपड़ा भी कर सकते हैं लेकिन आई नो शीट अगर हो उसके ऊपर पानी गिरता भी रहे गिरता भी रहे तो वो इतना मसला नहीं होता लेकिन जब एक कपड़े के ऊपर पानी गिरता रहता है ना और वो खुद ही ड्राई होता रहता तो वो अजीब सा हार्ड सा हो जाता है कपड़ा आई डोनो वड़े मिठाना से बट स्टिल Trying to convey my point. कि मैं oiling again, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया था तब तो मैंने बाल दिए थे लेकिन जब नहाई ऐसे स्ट्रेट हो गए थे बाल जैसे मैं कैरेटिन करवा कर आई हूँ लेकिन मेरे इतने कड़ी वगैरह तो नहीं है बाल में आपके साथ करती हूँ मेरे बाल बस ठीक है फ्रेंड्स ये तो अभी ऐसे हुए हैं लेकिन स्ट्रेट भी नहीं ये देखें बस ऐसे मेरे बाल हल्के से आप कह सकते हैं कहीं पे ऐसे हो जाते हैं लेकिन स्ट्रेट है मेरे बाल शुक्र है बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है बचपन में कभी मैं सुनती हूँ मामा से एक दो मेरी पिक्चर भी थी कभी कि मेरे बहुत ज़्यादा कर्ल हुआ करते थे बाल और मामा ने बहुत मुश्किल स्ट्रेट किए हुए हैं उनको ज़ोर ज़ोर से ब्रश कर कर करके क्योंकि मामा हेय्स कर्ली हेयर्स और वो भी लड़कियों के लड़कों के तो चले चल जाते हैं जेजी का स्टार्ट में बहुत ज्यादा कर ली हुआ करते थे और आई जस्ट टू लव दो बार हुई है बेचारे की कटिंग कर वा, वा बोलने वाली थी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह आप भी स्ट्रेट बालों में भी हल्के से उसके हैं कर बट आई फील लाइक जब तक ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना तब तक इसके बाल जो है ज्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे सो so, देखते रहेंगे आप ऑब्वियसली इसकी जर्नी भी बड़ी होते और आपने देखी भी है

मंथ्स हुए थे कुछ को तो मामा ने बहुत ऊंचा यहाँ पे करके बन बनाया करती थी फिर मामा को बहुत ज्यादा सूट भी करता था लेकिन उस उसमें काफी फनी कमेंट्स आया करते थे तो वो एकदम से मेरे जहन में आगे शुक्र है मेरा इतना ऊंचा नहीं है बट मुझे ना ऊंचा जुड़ा इतना पसंद भी नहीं है मुझे ना नीचा जुड़ा इधर जो जुड़ा होता है ना बन वो बहुत ज्यादा मामा का और मुझे खुद भी कंफर्टेबल होती हूँ जैसे मैंने स्टार्ट में किया हुआ था बाहर हाल चले इस बात को स्किप करते हैं एंड इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं दिस वॉस टू डेज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स वर्ड वैम खाना से उर्दू में मेरे जहन में आ रहे हैं लेकिन आके जा रहे हैं सो दिस वाज टू डेज दिस वॉस टू डेज ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर कर दें चैनल को सब्सक्राइब दें हैं इसको शेयर करें चंदी फैमिली के साथ अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा सी इन द नेक्स्ट वन